सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिलक्टेंस, कि हमारा रिलक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपका रिलक्टेंस रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिलक्टेंस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो रेजिस्टेंस होता है और जो हमारा रिलक्टेंस होता है दोनों का काम सेम होता है, बस दोनों का एक तरह से। तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो होता है फ्रेंड्स करंट के फ्लो को अपोज करता है। ये हमारा जो करंट वाला हमने यहाँ पे दिया तो वो इसको यहाँ आने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा किसी रेजिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हो या एक नॉर्मल वायर हो, जहां पे भी हमारा जो भी वायर हो गए, चाहे हमारा कोई सर्किट हो गया, कहीं पे भी हो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका एक ही काम होता है, हमारे करंट के फ्लो को अपोज करना। और फ्रेंड्स, एक बात और जानने वाली है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है यह हमारा एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। मान हमारा जो करंट होता है इसको जो हमारा फ्लो को अपोज करता है तो इसको हमारा स्टोर नहीं करता है, बल्कि इसको हमारा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे जैसे हमारा जो वायर है, किसी वायर में हमने मान लीजिए हमारी वायर है, इसमें हमने करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या कुछ टाइम के बाद हमारी वायर हीट हो जाती है। तो जो हमारी वायर हीट होती है वो रेजिस्टेंस के कारण होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा करंट के फ्लो को अपोज करता है, हमारे करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। जो हमारा करंट फ्लो आगे नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या होता है, वो हमारा हीट जनरेट होता है। दैट्स मीन हमारा जो करंट होता है उस करंट को हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिलक्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगी, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, हमने यहाँ पे एसी करंट दिया। एसी करंट देंगे तो हमारे एसी करंट मिलने के बाद यहाँ पे हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और फ्रेंड्स, रिलक्टेंस के बारे में एक बात और जान लेते हैं, कि हमारा जो रिलक्टेंस होता है ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होता है। हमारा जैसे कि हमारा जो करंट हो गया वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर होता है, जबकि हमारा जो रिलक्टेंस होता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होता है। फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग और ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। हमने यहाँ पे इसके प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट दिया हमने, तो जब हम इसमें एसी करंट देंगे तो इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनेगा ये हमारा इस कोर, ये जो हमारा एक कोर हो गया, हमारा जो कोर है इस कोर की हेल्प से फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ है ये यहाँ पे हमारा ऐसे फ्लो होने लगेगा, तो जो हमारा रिलक्टेंस होगा वो इसको अपोज करेगा, इसको फ्लो, इसके फ्लो को अलाउ नहीं करता है, इसको ब्लॉक, एक तरह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को ब्लॉक करता है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस, हमारा रिलक्टेंस होता है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है। हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारा उसको ब्लॉक करता है। हमारा जो रिलक्टेंस है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है, कह सकते हैं, या ब्लॉक करता है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है हमारा इलेक्ट्रिकल, हमारा करंट के फ्लो को अपोज करता है या ब्लॉक करता है, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा जो रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।